धार्मिक नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद से राम मंदिर के कपाट जन साधारण के लिए खोल दिए गए। इसके बाद से ही अयोध्या में राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी राम मंदिर में पूजन और विधियों का सिलसिला जारी है। रामलला की पूजन प्रक्रिया को मंडल पूजा का नाम दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चल रही मंडल पूजा क्या है और ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चलने वाली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को संपन्न होने के बाद 23 जनवरी से मंदिर में विशेष मंडल पूजा की शुरुआत हो चुकी है। 23 जनवरी से लेकर पूरे 48 दिनों तक ये पूजा चलेगी। 48 दिनों तक चलने वाली इसी विशेष पूजन प्रक्रिया को मंडल पूजा कहा जाता है। गणेश, अंबिका, कलश, मातृका, वास्तुमंडल, योगिनी, क्षेत्रपाल, नवग्रह मंडल, वारुण मंडल, इंद्र, इन देवताओं के साथ मातृशक्तियों और अरुधन्ति सहित सप्तऋषि और सर्वार्थो भद्र मंडल के बीच रामलला को विराजमान कर उनका विशेष पूजन किया जाता है। अयोध्या में भी प्रभु श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने के बाद 23 जनवरी से इस अनुष्ठान के जरिए देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। दक्षिण भारत में मंडल पूजा काफी प्रचलित है। अयोध्या में 48 दिनों की ये मंडल पूजा कर्नाटक के उडुपी के प्रसन्न तीर्थ स्वामी के नेतृत्व में की जा रही है, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। राम मंदिर में मंडल पूजा का अनुष्ठान रामलला के गर्भगृह परिसर में किया जा रहा है। इसके लिए एक निश्चित स्थान है जहां विद्वानों और संतों द्वारा पूरे विधि विधान से इस अनुष्ठान को किया जा रहा है, जिससे कि मंदिर में भक्तों का पूजन और दर्शन प्रभावित न हो। अयोध्या राम मंदिर में मंडल पूजा का शुभारंभ भगवान गणेश के आह्वान के साथ शुरू हो चुका है। इसमें सोने चांदी के कलश पात्रों में पवित्र तरल के साथ रामलला की मूर्ति का अभिषेक किया जा रहा है। कई विद्वान और आचार्य पूजा के दौरान चतुर्वेद और दिव्य ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। मंडल पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। इस दौरान 48 दिनों तक ब्रह्मचर्य, पवित्रता और त्याग का पालन करना चाहिए। मंडल पूजा की प्रक्रिया की बात करें तो पहले रामलला की 3 बार आरती होती थी, लेकिन अब 6 बार होगी। रामलला के पुजारियों के प्रशिक्षक ने बताया कि रामलला की पूरे दिन में 6 बार आरती होगी, जिसमें मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, उत्थापन आरती, संध्या आरती और शयन आरती शामिल है। साथ ही रामलला को पूरी सब्जी, रबड़ी, खीर, दूध, फल और मेवे का भोग लगाया जा रहा है। रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति को हर दिन अलग अलग वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और फूलों से श्रृंगार भी किया जा रहा है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।